ब्यूटी कल्चर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड BC 204 टॉपिक कलर एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज इन कॉस्मेटिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ परफ्यूम्स इन कॉस्मेटिक मेकिंग माई सेल्फ अर्चना गुप्ता लेक्चरर ब्यूटी कल्चर गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर आज हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेटिव कलर एंड परफ्यूम प्रिजर्वेटिव सौंदर्य प्रसाधनों को अधिक दिनों तक संरक्षित रखने पर उनके खराब हो जाने का भय रहता है सौंदर्य प्रसाधन को बनाने के बाद वह कुछ समय तक रखे रहने पर इनमें फफूंद लग जाती है ये फफूंद कुछ प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से विकसित होती है इस कारण सौंदर्य प्रसाधन के गुण नष्ट हो जाते हैं इस फफूंद को समाप्त करने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं इन रसायन को संरक्षक द्रव्य कहते हैं या जो भी संरक्षक मिलाए जाते हैं उन द्रव्यों को संरक्षक द्रव्य कहते हैं इस क्रिया को प्रिजर्वेशन कहते हैं अच्छे संरक्षक में निम्न गुण होने चाहिए संरक्षक को सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति एक अवस्था में प्रभावकारी होना चाहिए संरक्षक को लंबे समय तक रखने पर वो खराब ना हो वह संरक्षक रंगीन और सुगंधहीन होना चाहिए ज़्यादा महंगे भी ना हो और सौंदर्य प्रसाधन में मिलाने पर मनुष्य की त्वचा पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त तो कुछ संरक्षक द्रव्य जो कि निम्न है फर्स्ट है कार्बनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल में बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड सॉर्बिक एसिड सोडियम बेंजोइक पोटेशियम सोराबेट इत्यादि सेकंड है अल्कोहल अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल क्लोरोबुटानॉल फिनाइल इथाइल अल्कोहल कुछ ऑयल्स आवश्यक तेल संरक्षक के रूप में सुगंधित तेलों का प्रयोग काफ़ी समय से होता आ रहा है सभी सुगंधित तेल संरक्षक का कार्य करते हैं लेकिन ये ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होते तेल और पानी को मिलाकर जो कॉस्मेटिक बनते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव डालना जरूरी होता है फर्स्ट है विटामिन ई नेचुरल प्रिजर्वेटिव है सेकंड है रोजमेरी ऑयल प्रिजर्वेटिव और परफ्यूम दोनों का काम करता है थर्ड है ग्रेप सीड ऑयल प्रिजर्वेटिव एंड स्किन प्रोटेक्शन स्किन को प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट है मिथाइल पैराबेन इस प्रिजर्वेटिव का उपयोग अधिकतर क्रीम बनाने में किया जाता है इसको सौंदर्य प्रसाधन में मिलाने के लिए डिस्टिल वाटर को गर्म करके उसमें मिलाकर उपयोग किया जाता है यह प्रिजर्वेटिव फेस वॉश और फेस क्रीम में उपयोग किया जाता है कलर्स सौंदर्य प्रसाधन को सुंदर बनाने साथ साथ त्वचा को रंगीन आभा देने के काम में भी आते हैं जैसे आँखों के लिए आई शेडोज गालों के लिए ब्लशर्स होठों के लिए लिपस्टिक आदि कॉस्मेटिक में कलर का विशेष महत्व है कलर सौंदर्य प्रसाधन में जो रंग उपयोग में लिए जाते हैं वे अकार्बनिक पिगमेंट कार्बनिक रंग डाई और टोनर होते हैं रंग पानी और तेल में घुलनशील होने चाहिए फर्स्ट है हमारी डाई ये पानी तेल अल्कोहल में घुलनशील होती है सेकेंड है पिगमेंट यह सॉलिड कलर पार्टिकल्स होते हैं सौंदर्य प्रसाधनों में काम आने वाले रंग ड्रग इन कॉस्मेटिक कलर कहलाते हैं ये अनेक रंगों तथा शेड्स में मिलते हैं सौंदर्य प्रसाधनों में काम आने वाले रंग त्वचा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकें और टिकाऊ भी हों तथा सरकार द्वारा मान्य श्रेणी वाले होने चाहिए लिपस्टिक यदि लिपस्टिक में पिगमेंट मिलाना हो तो ये बात ध्यान देने योग्य है वह ऐसा होना चाहिए जो होठों की त्वचा को हानि नहीं पहुंचा सके और टिकाऊ भी हो तथा सरकार द्वारा मान्य श्रेणी वाला हो साथ ही लिपस्टिक होठों पे लगती है तो वो पेट में भी जाती है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि लिपस्टिक में हम जो भी कलर मिलाएं उसका हमको सरकार द्वारा मान्य श्रेणी वाला ही रंग कलर यूज़ करना चाहिए रूस
सामान्यतः लाल अथवा गुलाबी रंग में ही तैयार किए जाते हैं। लाल रंग के लिए आयरन ऑक्साइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम या अधिक करके लाल रंग के विभिन्न शेड्स के रूस तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट है लाल रंग, आयरन ऑक्साइड से बनाया जाता है। पीला रंग ऊचर से बनता है। थर्ड है भूरा रंग, बर्न अंबर से बनता है। नीला रंग अल्ट्रा मैरिन से बनता है। आयरन ऑक्साइड और ऊचर को विविध अनुपात में मिलाकर गुलाबी या ऑरेंज के विविध शेड्स तैयार किए जाते हैं। क्योंकि गुलाबी या ऑरेंज कोई मूल रंग नहीं है, पीले और लाल रंग का ही मिश्रण मात्र है। ठीक इसी प्रकार पीले और नीले रंगों को मिलाकर हम हरा रंग बनाते हैं। लाल पीले और नीले रंगों के मिश्रण से ब्राउन के हम विभिन्न शेड्स तैयार कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी रंग का प्रयोग करें, उस रंग के भार के बराबर या उससे कुछ अधिक मात्रा में प्रेसिपिटेटेड चौक अथवा जिंक ऑक्साइड में मिलाकर एकदम बारीक पाउडर के रूप में पीस कर ही प्रयोग करें। सौंदर्य प्रसाधन में रंग मिलाने के लिए थोड़े से मिश्रण में रंग को अच्छी तरह मिलाकर बारीक कपड़े से छानकर फिर ही संपूर्ण मिश्रण में मिलाया जाता है। फेस पाउडर को रंगीन बनाने के लिए कई प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य अघुलनशील पिगमेंट व लैक रंग हैं। कुछ रंगीन मिट्टियां जैसे बर्नटंबर, सियाना आदि भी सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा रही हैं। लाल, पीला, नीला, इन तीनों मौलिक रंगों में विभिन्न अनुपातों में काला अथवा सफ़ेद रंग मिलाकर इनसे विभिन्न शेड्स तैयार किए जाते हैं। रंगीन मिट्टियों को छोड़कर अन्य जितने भी रंग इन पाउडर में प्रयोग किए जाएं, वे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। रंग मिलाने का एक सरल उपाय यह है कि एक भाग रंग को 9 भाग शोषक पदार्थ जैसे प्रेसिपिटेटेड चौक में मिलाकर रख दिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर यह रंगीन पाउडर में मिला दिया जाए। रंग का भाग कम या अधिक करके फेस पाउडर को हल्के या गहरे रंग का बनाया जा सकता है। जो सौंदर्य प्रसाधन ऑयल बेस होते हैं उनमें ऑयल बेस वाले कलर उपयोग किए जाते हैं, और जो वाटर बेस होते हैं उनमें वाटर बेस कलर यूज़ किए जाते हैं। नेल पॉलिश में स्प्रीट में घुलनशील रंग काम में लाए जाते हैं। कुछ रंग जैसे इमोसिन, रोडामाइन बी और थर्ड स्प्रीट रेड रंग की मात्रा आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा परफ्यूम, कॉस्मेटिक में काम में आने वाले परफ्यूम। प्राचीन काल से ही स्वाभाविक खुशबू को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वनस्पति से प्राप्त खुशबू और सेकंड है पशुओं से प्राप्त खुशबू। फूलों के एसेंस से बना खुशबू वाला लिक्विड परफ्यूम कहलाता है। सौंदर्य प्रसाधनों में खुशबू का विशेष महत्व है। सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में काम आने वाली सामग्री खराब गंदगी होती है, जैसे वैक्सेस, कैस्टर ऑयल, मिनरल ऑयल आदि। इनकी खराब गंद को छुपाने के लिए परफ्यूम उपयोग में लिए जाते हैं। परफ्यूम्स 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परफ्यूम महंगे होते हैं। यह खुशबूदार पौधों, जड़ी बूटियों, फूलों व फलों से अर्क निकालकर प्राप्त की जाती है। इनकी खुशबू स्वाभाविक होती है। सेकंड है सिंथेटिक परफ्यूम। ये आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते होते हैं। ये परफ्यूम लैब्स में बनाए जाते हैं। ये इसेंशियल ऑयल से अलग किए जाते हैं, जैसे टर्पिनॉल होता है। इनका रॉ मटेरियल बेसिकली कोलतार के अंदर पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। परफ्यूम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है सिंथेटिक। नेचुरल परफ्यूम हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे प्लांट से हमें एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, फ्लावर ऑयल, रेजिन ऑयल, चंदन ऑयल, रोजमेरी ऑयल, लेवेंडर ऑयल इत्यादि। एनिमल से हमें मस्क, कस्तूरी से एम्बिग्रीस, नेक्स्ट कीविट। सिंथेटिक परफ्यूम अमाइल सैलिसिलेट, एनिसिड ऑयल, एनिसिलिडहाइड, बेंजिलिडहाइड,
बेंजाइल एसीटेट और सिट्रोनोल ऑयल। फर्स्ट है वनस्पतियों से प्राप्त सुगंध। वनस्पति से प्राप्त सुगंधों में मुख्यतः सुगंध का सार फूलों में पाया जाता है, जो आदित्य ताजगी भरा व बोतल में रखी आखिरी बूंद तक में एक समान सुगंध बनी रहती है। फूलों के अतिरिक्त वाष्पीकरण विधि द्वारा विभिन्न जड़ी बूटियों, छाल, पौधों के तनों, फलों, पत्तियों व घास तथा वनस्पति के पौधों से सुगंध को प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में इसेंशियल ऑयल, बेहतर खुशबू लौंग के फूलों, पचौली की पत्तियों व तनों, दालचीनी की पत्तियों, तेजपात के पत्ते, चंदन की लकड़ी, केवड़े की जड़, नींबू जाति के फलों, बादाम के बीजों इत्यादि स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। खुशबू केवल फलों से ही नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि विभिन्न पेड़ के तने, पौधों, घास, फूल से भी प्राप्त की जा सकती है। सेकेंड है फ्लावर ऑयल। कुछ पौधों में एक ही भाग से सुगंध प्राप्त की जा सकती है, लेकिन कुछ पौधों में अलग अलग भागों से खुशबू प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के रूप में संतरे के अलग अलग हिस्सों से भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध प्राप्त की जा सकती है, जैसे नींबू के फूलों से। प्लांट से हम इसेंशियल ऑयल, फ्लावर ऑयल, रेजिन ऑयल मिलता है। रेजिन ऑयल सामान्यतः पेड़ों से बहने वाले पदार्थ जो सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं, उनसे हमें परफ्यूम प्राप्त होता है, जैसे गम ऑफ अकेजिया। एनिमल्स, इसमें मिलने वाले परफ्यूम सामान्यतः महंगे होते हैं। पशुओं के अंदरूनी भाग, ग्रंथियों में या इनके उत्सर्जन स्राव द्वारा प्राप्त होते हैं। पशुओं के द्वारा प्राप्त सुगंध अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसकी खुशबू के लक्षण इतने नियंत्रण में होते हैं कि बिखेरने पर ये अपनी खुशबू को बड़ी देर तक बनाए रखते हैं। यदि इनमें कोई मिलावट न की जाए तो इनकी खुशबू एक समान बनी रहती है। तीन प्रकार की सुगंध जो पशुओं से प्राप्त होती है। फर्स्ट है मस्क कस्तूरी। यह कस्तूरी मृग की नाभि से प्राप्त की जाती है। इसकी खुशबू भीनी होती है और कम मात्रा में ही प्रयोग की जाती है। लंबे समय तक कस्तूरी रखने से गंधहीन हो जाती है, लेकिन अमोनिया में रखने या अमोनिया के जल में रखने से इसकी खुशबू को वापस प्राप्त किया जा सकता है। एम्बरग्रीस व्हेल मछली के अंदर की आंत या सिर की चर्बी से निकला खुशबूदार पदार्थ होता है। खुशबुओं में यह बहुत महंगा होता है। इसकी खुशबू से इत्र भी बनाए जाते हैं। एम्बरग्रीस ठोस राख के रंग का चर्बीदार, सफ़ेद, तेज खुशबूदार होता है। इसको अल्कोहल, इथर व उड़नशील तेलों में घुला जा सकता है। यह अधिक टिकाऊ भी होता है। नेक्स्ट है किविट। जंगली बिल्ली से प्राप्त खुशबू है जो तेज गंध वाली होती है। यह खुशबू अन्य खुशबू बनाने में भी प्रयोग की जाती है। यदि इसको अधिक मिलाया जाए तो इसकी गंध असहनीय हो जाती है, लेकिन जब सही माप के अनुसार मिलाया जाए तो यह आखिरी क्षण तक मनमोहक खुशबू देती रहती है। अच्छा कॉस्मेटिक उसी को माना जाता है जिसकी सुगंध प्रयोग करने के पश्चात भी घंटों तक बनी रहे। कॉस्मेटिक में खुशबू मनभावन, मंद व दीर्घकाल तक स्थायी रहने वाली होनी चाहिए। सिंथेटिक परफ्यूम्स में हमारी फर्स्ट है एमाइल सैलिसिलेट। यह परफ्यूम साबुनों में उपयोग की जाती है, क्योंकि यह साबुन क्षारों के प्रभाव से जल्दी खराब नहीं होती है। सेकेंड है एनिसिड ऑयल। यह एक सुगंधित तेल है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से साबुन बनाने में किया जाता है। थर्ड है एनिसिक एल्डिहाइड। इसका उपयोग साबुन और फेस पाउडर में सुगंध देने के लिए किया जाता है। फोर्थ है बेंजाल्डिहाइड। इसमें चमेली की सुगंध होती है। यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। चमेली का तेल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सिट्रोनिला ऑयल, यह सस्ती सुगंध है। इसकी गंध संतरे से मिलती जुलती होती है।
सुगंध का विशेष महत्व है। सुगंध मोहक भी हो और कॉस्मेटिक व उसके रंग पर सुगंध का कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। परफ्यूम दो प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं, कॉस्मेटिक को बनाने में। फर्स्ट होते हैं ऑयल बेस और सेकंड होते हैं वाटर बेस। ऑयल बेस कॉस्मेटिक्स में परफ्यूम ऑयल बेस वाले डाले जाते हैं और वाटर बेस कॉस्मेटिक में परफ्यूम वाटर बेस काम में लिए जाते हैं। कॉस्मेटिक में हम दो या तीन या उससे ज़्यादा परफ्यूम को मिलाकर कंपाउंड तैयार करके एक अलग खुशबू तैयार कर सकते हैं और फिर उस कंपाउंड परफ्यूम को हम किसी भी कॉस्मेटिक को बनाने में काम में ले सकते हैं। थैंक यू।